सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अभी भी हम चौथे गुणस्थान के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जो ऐसा महत्वपूर्ण गुणस्थान है कि वह प्राप्त होते ही इस जीव के संसार का किनारा नज़दीक आ गया है, इसका कन्फर्मेशन होता है। यानी क्या कहना चाहते हैं, कोई अगर एक बार सम्यक तो प्राप्त करेगा तो उसका अभी संसार में रहना अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं हो सकता। यानी क्या है, सबको इतना लंबा काल रहना पड़ता है ऐसा थोड़ी है। कई तो ऐसा होता है, आपको शायद मालूम भी होगा कि जो अनादि से आज तक नित्य निगोद में पड़ा हुआ बादर निगोदिया जीव है, वो वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय में आएगा, सम्यक तो प्राप्त करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ख्याल में आया? यानि अभी ये बात थोड़ी है कि भाई आज सम्यक तो प्राप्त किया तो उसको अर्धपुद्गल परावर्तन रुकना पड़े, ऐसी कतई आवश्यकता है नहीं। लेकिन एक बात तो निश्चित है, ये चौथा गुणस्थान की प्राप्ति तो जैसा मान लो ना कि अभी हमारे लिए तो कृतकृत्यता हो गए, वास्तविक नहीं है। अभी आगे बहुत घोड़ा मैदान तो दूर है, लेकिन एक तो बात नक्की हो गई कि वह जीव भव्य है, इसका डिमार्केशन हो गया। तो इसलिए उस गुणस्थान को हम जितना डिटेल में जानेंगे उतना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम नहीं तो कोई जिसको हम कहते हैं कि गलत फहमी में रहते हैं कि हमें सम्यक्त्व हो गया है, तो ऐसी गलत फहमी न रहे। अभी एक प्रश्न आया है हो, और जिस भाई साहब ने प्रश्न पूछा है वे अभी गैर हाजिर हैं। आ गए, आ गए। नहीं, 100 साल की उम्र रहेगी आपको, गैर हाजिर रहने के लिए नहीं, जल्दी आने के लिए। हाँ, ये उसी का उत्तर हम देखेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपके साथ और कोई था। हाँ, आने दो, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा उनका उत्तर। मुझे लगता है कि उस प्रश्न का उत्तर का मतलब जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने विवेचन किया था। अब प्रश्न पूछने से आपके ख्याल में आएगा कि इस बात को हमने देखा था कि नहीं। उसके पहले अभी हम देखेंगे 110 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं हम। वहाँ ये जो गोमटसार है उसमें दूसरी अन्य गाथा में सम्यक्त्व के बारे में भी लिखा है, अलग तरीके से, अर्थ तो एक ही है। यहाँ कह रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से असंयत होने पर भी, असंयत कहो या अविरत कहो, अर्थ तो एक ही है, लेकिन वहाँ कौन से कर्म का उदय है? हाँ जी, अप्रत्याख्यानावरण, और किसका वहाँ अनुदय है? हाँ बहन, आप बताएंगे कौन से कर्म का अनुदय है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो तो है नहीं, लेकिन किसका उदय है? अप्रत्याख्यान कषाय कर्म के उदय से, वो उदय के कारण वो क्या हो गया है? जीव अभी भी असंयत है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय है, तो साथ में प्रत्याख्यान और संज्वलन का भी उदय वहाँ चालू है। तो कह रहे हैं,
वो प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से असंयत होने पर भी ये तो निमित्त का कथन है कि कर्मों ने उनको असंयत बनाया है। वो असंयत बने तो अपने परिणाम से, लेकिन वहाँ जो कार्य हो रहा है उसमें निमित्त की भी बात छेड़ी है। क्या कहते हैं, 5, 6 या 7 यानी अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के ये 5, 6 और 7 हमारे बहुत बार उसका एक्सप्लेनेशन हुआ है। क्या कहते हैं, इन प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भावों को अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान कहते हैं। देखो, एक बात बिल्कुल हमें ख्याल में रखनी चाहिए, कोई भी जीव को चौथे गुणस्थान में, अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो एक साथ कितने सम्यक्त हो सकते हैं बहन? हाँ बोलो। हाँ, एक ही औपशमिक समीक, आप क्या कहते हैं बहन? हाँ, तो 3 में से जो पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो उसको तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा, लेकिन हमने पहली बार नहीं पूछा है, चौथे गुणस्थान में एक ही होगा, एक साथ 2 नहीं होंगे, एक साथ 3 नहीं होंगे, या तो औपशमिक होगा या तो क्षायोपशमिक होगा या तो क्षायिक होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि औपशमिक क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भावों को, वो भाव यानी उस तरह के उनके सम्यक्त्व भी हैं, तो वो होता है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। अब यहाँ थोड़ा सा हम रैपिडली चलेंगे, सम्यक्त्व अपेक्षा विचार नीचे, चौथे अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा से, एक जीव की बात नहीं चल रही, अनेक जीव, नाना जीव यानी अनेक जीव, अनेक जीवों की अपेक्षा से औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक ये तीनों सम्यक्त्व रह सकते हैं। एक जीव को एक समय में एक ही सम्यक्त्व रहता है, ये बिल्कुल मार्के की बात ध्यान में रखना। तीनों सम्यक्त्वों में यथार्थ श्रद्धा रूप धर्म की अपेक्षा से समानता होने पर भी अन्य अपेक्षाओं से असमानता भी है। यानी जो 3 अलग अलग सम्यक्त्व हैं उनमें समानता भी है और असमानता भी है। तो समानता किस अपेक्षा से है वो बात पहले बताते हैं। तीनों ही सम्यक्त्व के नवीन कर्मों के बंध की अपेक्षा से समानता है। यानी क्या कहना चाहते हैं, तीनों ही सम्यक्त्व हैं, उनका अगर बंध होता हो तो उनमें से 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अब ये इसके डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी उलझने पैदा होंगे, क्योंकि अपना विषय तो गुणस्थानों को समझना है। इतना ध्यान रखना कि पहले गुणस्थान में 16 कर्मों की बंध की विच्छित्ति होती है और दूसरे गुणस्थान में 25 कर्मों के बंध की विच्छित्ति होती है। जीव तो यहाँ से डायरेक्ट चौथे में जाएगा, तो 41 प्रकृतियों का बंध वहाँ नहीं होगा। ये कौन से एक सम्यक्त्वों के बारे में कह रहे हैं, तीनों ही सम्यक्त्वों में। और क्या कहते हैं, तीनों ही सम्यक्त्वी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ही है। यानी ये क्या बताना चाहते हैं कि चौथे गुणस्थान में औपशमिक क्षायोपशमिक या क्षायिक सम्यक्त्व तीनों भी हो सकते हैं, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से कह रहे हैं। अब उसमें क्या कहते हैं, अभी असमानता की बात करेंगे, पहले क्षायिक सम्यक्त्व की बात कहते हैं। तो कह रहे हैं कि क्षायिक सम्यक्त्व के पहले 2 बार त्रिकरण परिणाम होते हैं। यानी किसी को क्षायिक सम्यक्त्व होना है तो वहाँ 2 बार त्रिकरण, यानी त्रिकरण यानी क्या है? हाँ बेन, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, 3 करण है ना, तो त्रिकरण परिणाम ये जीवों के परिणाम हैं। वो कह रहे हैं कि 2 बार होते हैं। प्रथम त्रिकरण परिणाम द्वारा अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजन होता है। अब ये विसंयोजन होता है, इस बात को हमें देखना है तो हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी में जाएंगे, वहाँ हम उसको देखेंगे कि विसंयोजन किसको कहते हैं।
कहीं मिले तो मुझे नंबर प्रश्न क्रमांक या पुस्तक पेज क्रमांक बताइए। हाँ सर 44 पेज पे। हाँ हाँ प्रश्न क्रमांक 74 और पृष्ठ है 44। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, विसंयोजन किसे कहते हैं? कह रहे हैं अनंतानुबंधी चतुष्क के, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के। क्या है उनके बारे में? वे अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय और हास्यादि 9 कषाय रूप परिणमित होने को विसंयोजन कहते हैं, यानी उनकी सत्ता वहाँ से खत्म हो जाती है, वो अन्य रूप से संक्रमित हो जाते हैं, उसको यहाँ कहेंगे विसंयोजन। तो अभी हम दोबारा अपने पृष्ठ पर आते हैं। कहाँ पर थे हम? पेज नंबर 110, ये आखिर में जो एक पॉइंट लिखा है शाही सम्मित्व के बारे में, वहाँ तक हम आए थे। फिर से शाही सम्मित्व के पहले 2 त्रिकरण परिणाम होते हैं। प्रथम त्रिकरण परिणाम द्वारा ये पहले जो 3 ये मांडे थे ना करण लब्धि के त्रिकरण, तो उसमें अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजन होता है, यानी वहाँ वो कर्म अन्य कर्म रूप हो जाते हैं। और क्या है, फिर दर्शन मोहिनी के नाश के लिए त्रिकरण परिणाम होता है, जबकि औपशमिक सम्यक्त्व के लिए 1 ही त्रिकरण परिणाम आवश्यक है। अभी तुलना चल रही है और उसमें असमानता बता रहे हैं, क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व में असमानता क्या है? तो औपशमिक सम्यक्त्व में 1 त्रिकरण परिणाम करने पड़ते हैं और क्षायिक सम्यक्त्व के लिए 2 करने पड़ते हैं। अब पेज नंबर 111 पर औपशमिक सम्यक्ति के सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों की सत्ता बनी रहती है, एवं काल भी अंतर्मुहूर्त है। ये औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना है? तो कहते हैं अंतर्मुहूर्त ही है, और वहाँ कर्मों का अनुदय है, कर्म उदय में नहीं आ रहे लेकिन सत्ता में पड़े हैं। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व का जो सम्यक्त्व है उसके विरोधी जो 7 प्रकृतियाँ हैं उनकी सत्ता ही नहीं है, वो सत्ता नष्ट हो गई है, और क्षायिक सम्यक्त्व का काल सादी अनंत है। ये सादी अनंत क्या है इसके बारे में भी हमने पहले देख लिया है, अगर अभी किसी को याद नहीं आता हो तो बोल देना, तो उसके हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि वो औपशमिक सम्यक्त्व का काल एक अंतर्मुहूर्त है और क्षायिक सम्यक्त्व का काल सादी अनंत काल है। तीसरा पॉइंट, क्षायिक सम्यक दृष्टि समय समय प्रति गुणश्रेणी निर्जरा करता है, यानी क्या है कि हर समय में गुणित प्रमाण में, गुणश्रेणी का अर्थ क्या है, गुणित प्रमाण में उसकी निर्जरा होती है। ये गुणश्रेणी निर्जरा की बात जब हम 7वें 8वें गुणस्थान में आएंगे तब हम करेंगे, अभी इतना ही समझना कि हर समय उसके सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, अभी एक समय में उसने जो कुछ परमाणुओं की निर्जरा की है, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुना, हाँ ऐसा उनका गुणश्रेणी रूप निर्जरा होती है। अब कह रहे हैं पूर्व, चौथा पॉइंट, पूर्व में मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध न होने की दशा में उसी भव में अथवा तीसरे ही भव में मोक्ष प्राप्त करता है। ये किसकी बात चल रही है? क्षायिक सम्यक्त्व के। तो क्षायिक सम्यक्त्व के अधिक से अधिक क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने का भाव काल अधिक से अधिक कितना होगा? तो तीसरे भाव में वो मोक्ष अवश्य जाएगा। तो उन्होंने क्या उस कंडीशन कौन सी डाली, उस जीव ने मनुष्य या तीरंच आयु का बंधन न किया हो तो, एक पहली बात क्या बताई, उसी भाव में जाएगा या तीसरे भाव में जाएगा। अभी नारकी का उसने आयु बंध किया हो तो नरक में जाएगा, वापस मनुष्य में आएगा और फिर उसी भाव में मोक्ष में जाएगा। अब क्या होगा, अभी देखो मनुष्य भाव बांधा है
तो क्या होगा, वह तो भोग भूमि का ही मनुष्य होगा, और जो क्षायिक सम्यक्त्व है वही सम्यक्त्व के साथ भोग भूमि में जाएगा, और वही जीव अगर 3 इंच गति 3 इंच की आयु बांधेगा तो वह भी भोग भूमि का ही मनुष्य होगा और सम्यक 3 इंच होगा, और क्या बात कह रहे हैं कि उसको क्षायिक सम्यक्त्व होना चाहिए, तो एक सम्यक्त्व के साथ जाएगा। जो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व है वह सम्यक्त्व के साथ मनुष्य पर्याय में या 3 इंच पर्याय में जन्म नहीं ले सकता। लेकिन ये 3 जो है, कौन से 3 इंच, मनुष्य और नारकी, इन भवों में जीव को जाना है सम्यक्त्व के साथ, तो नियम से वह क्षायिक सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए। अभी क्या बताया देखो, तो यहाँ तो उनको कहना है कि अगर मान लो कि हम किसी ने मनुष्य आयु बांधी और साथ में क्षायिक सम्यक को पहले प्राप्त किया है और फिर मनुष्य भव बांधा है, तो वो क्या होगा, भोग भूमि में जाएगा एक भव, वहाँ से नियम से स्वर्ग में जाएगा दूसरा भव, और ये तीसरे भव मनुष्य में आकर वह मोक्ष चला जाएगा। अब आगे, अब क्षायक्षमिक सम्यक्त्व के बारे में बताएंगे क्या कह रहे हैं। ऐसा है, अभी ये इसके एक मिनट, यहाँ जो शब्द लिखे हैं उस शब्द पे मत जाना, मैं जो कह रहा हूँ वो आप कृपया सुनना। देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो तद्भव मोक्षगामी जीव रहता है वो आयु बंध करेगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कोई जीव क्षायिक सम्यक्ति हो जाए हाँ, और उसने आयु बंध नहीं किया है तो वो उसी भव में जाएगा। भी क्या यहाँ लिखने में थोड़ा कम अधिक होता है तो उसको हम थोड़ा सा निग्लेक्ट करके, भाई कभी कभी रह जाता है। लेकिन उन्होंने उल्लेख नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। देखो देखो, मनुष्य होगा तो तीसरे भव में जाएगा और नारकी होगा तो, सॉरी, नारकी मनुष्य और 3 इंच वो तीसरे भव में, यानी चालू भव छोड़ के आगे 3 भव लिए उन्होंने। कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो अभी आप समझ लो कि हम जो कह रहे हैं, नहीं लिखा है तो आप यशपाल जी से मिलके उनसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं लिखा है इसका उत्तर तो मेरे पास है नहीं। आगे, अब क्षायक्षमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा असमानता को कहते हैं, या अभी तो अब तक हमने क्षायिक और औपक्षमिक की बात की, अभी क्षायक्षमिक की बात कर रहे हैं। इस सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहिनी का उदय होने से चलमल अगाढ़ दोष होते हैं। देखो बात ऐसी है, ये कहने का प्रयोजन क्या है, अभी ये दर्शन मोहिनी कर्मों में से वहाँ सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, और ये सम्यक प्रकृति जो है हाँ, वो तो जिसको हम कहेंगे ना, दुश्मन के पक्ष की है। क्या है, दर्शन मोहिनी कर्म जो है वह जीव को सम्यक तो होने में रुकावट करता है, लेकिन उसमें से जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर जो सम्यक प्रकृति है वो दर्शन मोहिनी की ही प्रकृति है, और वो होते हुए जीव के सम्यक्त्व में, सम्यक तो टूटे नहीं, सम्यक तो चला रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया, ये देखो, इस सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहिनी का उदय होने से चलमल अगाढ़ दोष है। अब ये चलमल अगाढ़ दोष क्या है, इसको अगर हमें देखना है तो हम जरा देखते हैं। मेरे सामने
मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, उसके पृष्ठ क्रमांक 334 पर हम देख रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने जैसा है। यहाँ तो ये उन्होंने पहले कंक्लूड किया है, इस प्रकार उपशम सम्यक्तों का स्वरूप कहा, तथा जहाँ दर्शन मोहनी दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक्तो मोहनी का उदय हो, अन्य दो का उदय न हो, यानी सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक्त मोहनी का यानी सम्यक प्रकृति का, वहाँ क्षयोपशम सम्यक्त होता है। इससे तो हम परिचित हैं, उपशम सम्यक्तों का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक तो होता है। वह सादी मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से वो मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। यानी जो सादी मिथ्यादृष्टि होगा वो पहले गुणस्थान से चौथे में आएगा, या जो तीसरे में है वह भी चौथे में आ सकता है। क्षयक्षम क्या सो कहते हैं, दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है उसके अनंतवे भाग मिश्र मोहनीय का है। यानी जो फलदान शक्ति है मिथ्यात्व की, उसका अनंतवा भाग जो है वह मिश्र मोहनी की कैपेसिटी है, उसके अनंतवे भाग सम्यक्त मोहनी यानी सम्यक प्रकृति का है। इनमें सम्यक प्रकृति देशघाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। किंचित मलिनता करे, मूल घात न करे, उसी का नाम देशघाती है। जो यहाँ सो यहाँ जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल के काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। उदयाभावी क्षय का उन्होंने कैसा ट्रांसलेशन किया देखो फिर से। जहाँ मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व यानि सम्यक मिथ्यात्व इनके वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, तो क्या है, अन्य रूप से उदय में आते हैं ना, तो उनका वह क्षय जानना। किनका, वो दो सर्वघाती प्रकृतियों का, और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए वही उपशम है। इसी को सदवस्था रूप उपशम हमने देखा है। और सम्यक तो मोहनी का यानी सम्यक प्रकृति का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है। एक क्षयोपशम की उन्होंने परिभाषा घटित करी। अभी कहते हैं यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य रूप तो केवली जानते हैं। ये चलमलाघाड़ दोष जो है वो कौन सा मल है उसकी बात तो केवली भगवान ही जानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। उदाहरण बतलाने के लिए अर्थ चलमलिन अघाड़पना कहा जाता है, यानी उदाहरण बताने के अर्थ यानी उसके कारण से ये चलमलिन अघाड़ क्या होता है वो बात बताते हैं। वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अर्हंत देवादि में यह मेरा है यह अन्य का है। यानी क्या कहना चाहते हैं, अभी कोई जीव ने कोई मूर्ति की स्थापना की है तो ये भगवान हमारे हैं। वो आप दिल्ली में गए थे क्या, वो फला फला दिल्ली में वहाँ एक मंदिर है, वहाँ हमारे भगवान है, अरे हमने वहाँ स्थापित किए। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि बोले, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ तो कहते वह दोष है छोटा सा। क्या कहे, अनंत देवादि में यह मेरा है यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। चलमलागार दोष में से चलपना, शंकादि मल लगे तो मलिनपना है। यहाँ क्या कहते हैं, ये शंका जो है ना, शंका यानी सात तत्वों संबंधी शंका नहीं, सात तत्वों संबंधी शंका हो तो मिथ्यात्व में चला जाए, अन्य किसी बात पर अगर शंका हो तो मलिनपना है। और आगे कहते हैं यह शांतिनाथ शांति करता है, पारसनाथ विघ्नहर्ता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए परंतु नियम रूप नहीं है। क्षयक्षम सम्यक्त्व में जो नियम रूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से
समलपना होता है, इसलिए यह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। इस सेवक्षम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। एक ही प्रकार की अपेक्षा से, जैसे औपशमिक सम्यक्त्व में प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ऐसे भेद किए, वैसे क्षयोपशम सम्यक्त्व में भेद नहीं है। देखो यहाँ पर एक बात भी उन्होंने बताया कि एक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में समल समलपना है, यानी मलिनता है वहाँ, इसलिए कोई भी जीव क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ श्रेणी नहीं चढ़ता। तो जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है और जो श्रेणी के सन्मुख हुआ है, तो वो जो सत्ता में रहे हुए या उदय में आने वाले ऐसे जो मिथ्यात्व के तीन भेद हैं ना, तो उनको भी उपशम आएगा और चारित्रम होने की बाकी अन्य जो 21 प्रकृतियाँ हैं उनको भी उपशम आएगा, तो उसको द्वितीयोपशम कहेंगे। और वह जीव वो उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व दोनों ही निर्मलता की अपेक्षा बराबर ही है, बिल्कुल निर्मल है। और ये क्षयोपशमिक उसमें चलमल आघाड़ दोष है, इसलिए क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ कोई जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। अब यहाँ तक तो ये बात आई। हाँ जी, पेज नंबर, अभी ये पेज पुराना है, 334। हाँ, सुनाई नहीं दिया जोर, शंका जरा लिख के देना साहब, क्योंकि एक के लिए एक चालू विषय में जो होवे तो फटाफट दे दो लिख के पास कर दो, क्योंकि क्या है, हाँ वो जिनको हमने सुबह मना किया था वो नाराज़ हो जाएंगे, क्या वो आपके जात के हैं, आपके पहचान के हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके ससुरे हैं, क्या है, क्या क्यों उनको अलाउ करते और मुझे नहीं, ऐसा नहीं होवे। हाँ, नाराज़ी मत लेना, हम तो सबका भला चाहते हैं। कोई विशेष को लिख के भेज दीजिए, अगर ये इसमें कंटिन्यूएशन में होगा तो तुरंत उत्तर देगा, नहीं तो जब आएगा जब देंगे। अब क्षयोपशमी सम्यक्त्व की अपेक्षा की बात चल रही है ना, चलमल आघाड़ दोष वाली, अभी क्या होते हैं, इसके नाश होने में देरी नहीं लगती, यानी क्षयोपशम सम्यक्त्व कैसा है, एक अंतर्मुर टीका हो सकता है कि फिर दोबारा नष्ट हो जाए। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व के बारे में चल रहा, यह सम्यक्त्व पल्ल के असंख्यात में बाहर छूट सकता है, कौन सा, क्षयोपशम सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व भी उतनी ही बार छूटता है, समझे, इसके लिए त्रिकरण परिणाम आवश्यक नहीं है। सॉरी उसके पहले एक रह गया, यह सम्य वो तो हो गया ना, यह सम्यक्त्व तो पल्ले के असंख्यात में बार भाग बार छूट सकता है। चौथा पॉइंट है, इसके लिए यानी ये सम्यक्त्व तो प्राप्ति के लिए त्रिकरण परिणाम आवश्यक नहीं है, यानी दो करण से भी वह दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, इस कारण ही इस सम्यक्त्व के साथ श्रेणी चढ़ने का अपूर्व पुरुषार्थ नहीं हो सकता, जो जितना और जैसा भेद है उसे भी स्वीकार करना चाहिए। अभी देखो ये सम्यक्त्व के काल की बात चल रही है, यानी ये जो सम्यक्त्व है ना, तो तीन प्रकार के सम्यक्त्व हमने देखे, तो पुस्तक में देखे बिना पहला हम सोचते हैं, आप पुस्तक में नहीं देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल ध्यान में रहेगी, पुस्तक बंद कर दो या खुला रखो तो देखो मत, और क्या है, हमें अपने से प्रामाणिक होना है। देखो आचार्य तो ये कहते हैं कि तू पर के साथ मायाचारी कर ही नहीं सकता है, क्या कहा, पर के साथ मायाचारी नहीं कर सकते, क्यों, तू पहले स्वयं से मायाचारी करेगा तो दूसरे के करने के तेरे भाव होंगे, यानी हम स्वयं अपनी भाषा में कहो तो सिंसियर टू योर ओन सेल्फ ऐसे होंगे तो पर को क्या कहते हैं ठगाने के विचार ही नहीं आएंगे, ख्याल में आया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो उपशम सम्यक्त्व है उसका अधिक से अधिक या छोटे से छोटा, यानी जघन्य काल कितना होगा और उत्कृष्ट काल कितना होगा, ये हम पहले सोचते हैं। कौन बताना चाहेगा, हाँ बोलो बहन,
वो जघन्य काल की बात कर रहे हैं या उत्कृष्ट काल की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहन फरमाती है कि जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। किसका? औपशमिक सम्यक्तों का। वो उसका एग्जैक्ट प्रपोर्शन यहाँ पर दिया है कि जघन्य काल से संख्यात गुना बड़ा ऐसा उत्कृष्ट काल होगा, बराबर। अभी क्षोभम सम्यक्त जो है वो क्षोभम सम्यक्तों का जघन्य काल कितना होगा बताइए बहन। आप आपने हाथ उठाया था ना बहन, सेलू वाली हमारी बहन। हाँ मालूम नहीं, कोई बात नहीं। हाँ और कोई बता? हाँ आप बताएंगे? अच्छा बोलो बहन। हाँ आप बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं पिछले वाले? हाँ बोलो बहन। अंतर्मुहूर्त वो कौन सा है? उत्कृष्ट काल। तो वो आपको बताना पड़ेगा ना, मैं कितने प्रश्न पूछूं। हाँ हाँ तो आपका बताना है जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है किसका? क्षपक्षम सम्यक्त्व का। और उत्कृष्ट काल आप ही बोलेंगे? 66 सागर। हाँ क्या? हाँ बहुत अच्छा। उन्होंने हिंदी में बताया, आपने मराठी में बताया, कोई बात नहीं। हाँ हम तो सब बंदर के व्यापारी हैं कच्ची छोड़कर, क्यों? तो देखो भैया 66 सागर में एक अंतर्मुहूर्त कम समझना। सामान्य रूप से 66 सागर कहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर पूरा 66 सागर वह जीव क्षापक्षमिक सम्यक्ति होगा तो नियम से क्षायिक होगा, इसलिए एक अंतर्मुहूर्त कम 66 सागर। अगर आपको ये इस बात का मतलब ख्याल होगा या आप जानते होंगे तो देखो जो 66 सागर में एक अंतर्मुहूर्त कम रहता है तो वह जीव, कोई जीव तीसरे गुणस्थान में आता है, क्षपक्षम सम्यक्त से हटकर तीसरे में आया, मिश्र में आया, फिर दोबारा चौथे में जाएगा और फिर आगे 66 सागर वह रहेगा। और वो भी पूरा 66 सागर करेगा तो क्षायिक होगा, और उसके पहले मिथ्यात्व में आएगा तो फिर पहले फिर से चालू गाड़ी पहले जैसे, ख्याल में आया? तो आपने जो कहा 66 सागर कहा आपने बताया, तो उसमें एक अंतर्मुहूर्त कम समझना। हाँ और आपने भी बताया क्या प्रमोद जी 66 सागर, तो उसमें भी ये बात समझ लेना। अभी मेरा ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्षायिक सम्यक्त्व का जघन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है? सुमन बहन आप कहेंगे? नहीं कहेंगे? अच्छा अच्छा। अंजु बहन आप नहीं बताएंगे? अच्छा, ये सम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं ये लोग हमारे से। हाँ 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 आप बताना चाहते हैं, बोलो बोलो। उत्कृष्ट काल संसार अवस्था के हिसाब से हाँ और आपने क्या बताया, मैं भी नहीं समझा। मैं जघन्य काल के, सुनो सुनो सुनो, मैं पूछ रहा हूँ जघन्य काल कितना और उत्कृष्ट काल कितना? उत्कृष्ट काल सादी शांत, मतलब ये सादी शांत है, सादी शांत। अच्छा काल तो अनंत हो गया, लेकिन संसार वास की अनंत लिमिटेड, मोक्ष में जाने के बाद में अनंत काल। और कोई कहना चाहे? देख लिया आपने, बहुत अच्छा। हाँ हाँ देखो देखो, मैंने इसलिए आपको पहले से ही रिक्वेस्ट की थी कि किताब मत खोलो, क्योंकि अपना मोह होता है ना उधर देखने को, तो सामने वाला क्या उत्तर दे रहा है वही मालूम नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ देखो भाई सर, क्षायिक सम्यक्त्व का अर्थ क्या, एक दफ़े सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो वह क्षायिक सम्यक तो कभी टूटता ही नहीं, क्योंकि सत्ता में कोई अभी कर्म नहीं जो सम्यक्त को सम्यक्त के घातक थे, ख्याल में है ना। तो उसका जघन्य काल भी वही है नहीं, जो है वो उत्कृष्ट काल है, वो सादी अनंत काल है। आपने जो सादी शांत बताया, किस अपेक्षा से बताया मुझे मालूम, हमने संसार और मुक्त की बात कहाँ करी थी, क्षायिक सम्यक्त्व का काल पूछा था, ख्याल में है। कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे, चलो यहाँ क्या कहते हैं वो देखेंगे, हमारी तुम्हारी तो बाकी रहने दो। सम्यक्त्व का काल, औपशमिक सम्यक्त्व का काल, जघन्य काल तथा उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, तथापि जघन्य काल से उत्कृष्ट काल संख्यात गुना अधिक है। ये तो हम
देख लिए थे। अब कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, क्षावक्षमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल मात्र अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। अभी उन्होंने क्या कहा, अथवा एक अंतर्मुहूर्त में, एक अंतर्मुहूर्त कम एक 66 सागर के बाद एक अंतर्मुहूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान में आकर पुनः क्षावक्षमिक सम्यक्त्व के साथ 66 सागर तक रहता है। यथायोग्य अंतर्मुहूर्त अधिक एक समय दो समय आदि लेकर अंतर्मुहूर्त कम 66 सागर पर्यंत बीच में होने वाले काल के सर्वभेद वगैरह वगैरह मध्यम काल है। लेकिन ये बात इससे भी और मतलब जिसको हम कहेंगे विशेष रूप से मैंने जो बताई कि पूरा 66 सागर वो रह जाएगा, तो उन्होंने यही बात बताई पूरा 66 सागर, लेकिन वह जीव आगे जाके क्षायिक होगा ही होगा। तो उनके हिसाब से 66 सागर उत्कृष्ट काल है। अब क्षायिक की बात कहाँ करें, क्षायिक की बात कहाँ कही है? हाँ सर, 111 पेज पर नहीं, जघन्य और उत्कृष्ट की बात नहीं करी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, पुस्तकें तो अपन ने बात की थी, अभी यहाँ कह रहे हैं ये जो है ना प्रश्न क्रमांक 34, वो जो हमने बताया था कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद पहला जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व है औपशमिक सम्यक्त्व, तो उसके बाद जीव मिथ्यात्व में जाएगा क्या नहीं जाएगा उसके बारे में जो कुछ कथन है वो आप पढ़ लेना। अभी चारित्र अपेक्षा बात करते हैं, पेज नंबर 113 पर। सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता, अकेला नहीं होता यानी उसके क्या क्या होते हैं साथ में, उसके साथ ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते हैं। इतना ही नहीं, आत्मा के अन्य अनंत गुणों में भी आंशिक शुद्धता प्रकट होती है, सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, ऐसा उल्लेख भी आगम में मिलता है। ये तो बात मैंने आपको बताई थी कि आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में अनंत गुण तो सम्यक रूप से ही परिणमित होते हैं और अनंत गुण विभाव रूप परिणमित होते हैं। तो जब किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो जो अनंत गुण विभाव रूप से परिणमित हो रहे थे वे सम्यक रूप से परिणमन करना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो बात है सर्वगुणांश से सम्यक्त्व, यह बात तो श्रीमद् जी ने कही है। अब इसका भाव यह है कि सम्यक्त्व होने पर आत्मा के चारित्र आदि अनंत गुणों में सम्यक्पना नियम से हो जाता है, व्रतरूप संयम न होने से चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को अविरत कहा है, फिर भी सम्यक दर्शन का अविनाभावी अनंतानुबंधी के अभावपूर्वक होने वाला सम्यक्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र तो होता ही है। अब क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहले में पहले तो हमने देखा था जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है तो वो चौथे गुणस्थान का नाम क्या है साहब, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है, अविरत सम्यक्त्व, यानी सम्यक्त तो है लेकिन वो कैसा है, व्रत रहित है, यानी अविरति है उसके। तो ये बात हमने देखी थी, सम्यक्त्व जब हम कहते हैं तो सम्यक्त्व में कम से कम तीन बातें तो गर्भित है, ऐसा आगम का रिवाज भी है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन को मिलकर ही सम्यक्त्व कहने में आता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब जीव सम्यक्त भी हो जाता है तो उसमें वहाँ क्या क्या होता है, तो अभी हम देखते हैं वहाँ अनंतानुबंधी यानी चार चौकड़ी जो थी, ये कषायों की चार चौकड़ी है, तो एक कषाय चौकड़ी का वहाँ अनुदय कहो यानी उपशम है क्षयोपशम है या क्षय है जो भी है, तो वो उसका उदय नहीं चल रहा है, तो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो उतने उस आत्मा में शांति प्रकट होगी क्या नहीं,
उतने प्रमाण में वितरकता प्रकट होगी क्या? नहीं। इस बात तो फिर चार टुकड़े ही क्यों करें? दो ही करते थे ना, एक कौन सा प्रत्याख्यान और एक संज्वलन। क्योंकि कई भोले जीवों का ऐसा कहना है कि सम्यक दर्शन तो सातवें गुणस्थान में ही होता है। अब क्या करें? तो फिर ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आदि का विवरण कहो, वर्णन कहो, शास्त्र में क्यों देते हैं? अब हम तो जानते हैं कि जो कषाय है वह आकुलता वाले हैं, दुख देने वाले हैं, और ये बात हमने तुमने नहीं तो कुंद आचार्य ने लिखी है। समय सार में वह दुख रूप है, वर्तमान में दुख रूप है, भविष्य में दुख देने वाले हैं, आकुलता स्वरूप है। अब उनमें से कुछ पार्ट उस वहाँ उदय में नहीं है, सत्ता में नहीं है, नष्ट हुए, जो कुछ होगा तो उतने प्रमाण में जीव में सुख का वेदन होगा कि नहीं, आकुलता कम हुई क्या? नहीं। ये हम सोचें, कौन ये कहता है, कौन ये कहता है, कौन ये कहता है, दूसरे के कहने पे मत जाना। शास्त्र में जो बात लिखी है उसे हम जाने। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, फिर से मैं पढ़ूंगा। ये जो चारित्र अपेक्षा विचार लिखा है उसे नीचे से तीसरी चौथी लाइन है। व्रत रूप संयम न होने से चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को अव्रत कहा है, फिर भी सम्यक दर्शन का अविनाभावी, अविनाभावी का अर्थ समझते हैं आप? हाँ साहब, क्या है अविनाभावी? हाँ, एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। ये अविनाभावी संबंध किसका किसके साथ होता है भाई साहब, आप जानते हैं? हाँ बोलो। अविनाभाव संबंध किसका किसके साथ होता है? हाँ बोलो सब। बहुत अच्छा, आपका कहना है कि द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध होता है, कि यह बात सही है रमेश भाई? नहीं है। चलिए, ये तो नाराज हो गए भैया। बाबू जी आप बताएंगे। अरे वाह रे वाह, ये तो बिल्कुल सर्वधर्म समभाव वाले हैं हम। हाँ बहन आप बता। अच्छा आप बताएंगे। हाँ बोलो बोलो। जीव का पुद्गल के साथ कौन सा है? वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, आपका कहना है जीव का पुद्गल के साथ अविनाभाव संबंध है। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? बहन आप बताएंगे। मालूम नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। बहन आपको जानती है, कोई बात नहीं। देखो देखो, अविनाभाव संबंध किसका किसके साथ होता है उसको हम देखने के पहले, द्रव्य का गुण के साथ नित्य तादात्म्य संबंध रहता है, द्रव्य का पर्याय के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध रहता है, एक द्रव्य के एक गुण का उसके अन्य गुणों के साथ अविनाभाव संबंध होता है। यानी जहां ज्ञान गुण है वहां चारित्र गुण भी होगा, वहां दर्शन गुण भी होगा, वहां सुख गुण भी होगा। एक है तो अन्य है। परसों ही मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये आप पंखे के नीचे क्यों बैठते हो? थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आती है तो हवा दिखती है आपको? अरे नहीं, तो उसमें वर्ण गुण है? भगवान जाने। अरे भगवान क्यों जाने, तुम नहीं जानते हो? अगर उसमें स्पर्श नाम का गुण है तो वर्ण नाम का गुण होगा, होगा और होगा। क्यों? कि वह पुद्गल है जो स्पर्श लग रहा है ना, वह हवा जो है वो पुद्गल है, और उस पुद्गल में जो स्पर्श गुण है तो वर्ण गुण होगा ही, क्योंकि शास्त्र में ऐसी बात बताई है, एक गुण होगा तो दूसरा गुण होगा ही, उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। जो मैंने आपसे कहा था अग्नि में स्वाद होगा कि नहीं, तो आपने बताया, आप ही लेके हमको बताना। क्यों? अरे उसमें वर्ण गुण है, दिख रहा है ना हमको, स्पर्श गुण गरम गरम है तो उसमें रस गुण भी होगा ही होगा, स्वाद लेने की क्या जरूरत है? क्या में आया? देखो ये आगम चक्षु हम लगाएंगे ना तो हमको सारे प्रश्नों का उत्तर फटाफट मिलता है। तो इसको क्या कहा, एक गुण होगा तो दूसरा गुण होगा। अभी यहां कह रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक श्रद्धा होती है, सम्यक ज्ञान होता है, तो वहां सम्यक चारित्र होगा ही होगा, क्योंकि इन दोनों का अविनाभाव संबंध है। फिर से पढ़ते हैं।
हाँ देखो क्या कह रहे हैं, देखो देखो, व्रत रूप संयम न होने से चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को अवृत कहा है, फिर भी सम्यक दर्शन यानी ये श्रद्धा गुण की जो सम्यक पर्याय है उसका अविनाभावी अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक होने वाला जो चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय, उसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र। और इसी को कुंद कुंदाचार्य ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहा है, ख्याल में है? तो वो तो होगा ही होगा। अनुव्रतों या महाव्रतों का पालन न होने से चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को चरणानियोग असंयमी कहता है। देखो यहाँ क्या बात बताना चाहते हैं, हर अनुयोग के कथन शैली पद्धति अलग अलग है। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, हाँ, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, कितने हजार करोड़, अभी हमारे वो कौन से अंबानी बंधु है ना, उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है और मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, कितने, हाँ, तो मैं संपत्ति वाला हुआ क्या? नहीं बोलते, जिसके पास 1,00,000 नहीं है उसकी अपेक्षा तो संपत्ति है, लेकिन जिसके पास करोड़ों हजारों करोड़ों की, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वैसे जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीव है उनके जो स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और वहाँ वितरागता का प्रमाण अधिक है, यानी चारित्र में स्थिरता अधिक प्रमाण में है, जो सकल चारित्र के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी अपेक्षा से स्वरूपाचरण चारित्र की स्थिरता कहो या उसमें जो वितरागता है वह नगण्य है, लेकिन वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ साहब, बिल्कुल आंशिक है और सकल चारित्र भी आंशिक है, सुनना, क्योंकि परिपूर्ण वितरागता तो हो ही नहीं यथा क्या चारित्र की अपेक्षा से, ख्याल में आया? देखो क्या कह रहे हैं, स्वरूपाचरण चारित्र तो होता है, अभी क्या बता रहे हैं, अनुवृत्ति या महाव्रति, अनुवृत्ति यानी पंचम गुणस्थानवर्ती, महाव्रति यानी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, हाँ, इनका पालन न होने से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को चरणानुयोग असंयमी कहता है। गुणस्थान यह विषय करणानुयोग का है और करणानुयोग इस सम्यक दृष्टि को अविरत ही कहता है। अब करणानुयोग की ही अन्य अपेक्षा से थोड़ा विचार करते हैं। चारित्र मौनी कर्म की अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी इस चौथे गुणस्थान में नियम से नहीं है, यानी नियम से नहीं है, इन द सेंस करणानुयोग कहेगा उसका अनुदय है, ख्याल में आया? इस कषाय चौकड़ी के अभाव से चारित्र गुण में आंशिक निर्मलता या अल्प वितरागता यहाँ चौथे गुणस्थान में व्यक्त होती है, अतः चारित्र का बीज यानी अंश यहाँ प्रकट हो गया है। सूक्ष्म विषयों का कथन करने वाले करणानुयोग शास्त्र की दृष्टि से सतर्क सिद्ध होने से यहाँ चारित्र प्रमाणित ही है, यानी वहाँ सम्यक चारित्र की अस्थि है तथा इसके बाधक कारण का भी अभाव है, जो हमने देखा था 6 प्रकार के जो हमने देखे थे ना, 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान वायलो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये बाधक कारण वहाँ उपलब्ध नहीं है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा भी चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है ही, वस्तुतः तो स्वरूप में आचरण करना ही चारित्र है। इसी विषय को आचार्य श्री अमृतचंद्र ने प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 7 की टीका में स्पष्ट कहा है, स्वरूप में चरण करना यानी स्वरूप में रममान हो जाना, रमणा यहाँ लिखा है, सो चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति करना यानी अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, इसका अर्थ है। आचार्य श्री जयसेन ने भी कहा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में चरण प्रवृत्ति लीनता, उसको चारित्र कहा है। अब क्या कहते हैं, देखो आचार्य कुंद कुंद ने ही सम्यक्वाचरण चारित्र नाम दिया है। चौथे गुणस्थान में यदि आंशिक वितरागता प्रकट हो गई तो चारित्र तो है ही, सम्यक दर्शन का अविनाभावी या सहचारी होने से स्वरूपाचरण चारित्र को ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया गया है।
ये तो उन्होंने अन्य अन्य दृष्टि से उनकी बात बताई है। अब कहते हैं सम्यक आचरण चारित्र का शब्द का प्रयोग आचार्य कुंदन कुंदन, ये नीचे दो तीन पैराग्राफ छोड़ के हाँ, ये काल अपेक्षा लिए लिखा है ना, उसके ऊपर दूसरा पैराग्राफ, सम्यक आचरण चारित्र शब्द का प्रयोग आचार्य श्री कुंद कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ के चारित्र पाहुड़ की गाथा 8-9 में किया है। यानी ये अपने मनगढ़ंत बातें नहीं है, जो आगम के आगम से सिद्ध है उसी की बात यहाँ बताई है। अभी काल अपेक्षा विचार करने के पहले एक जो प्रश्न आया है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो ये प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया है, शायद वे गैरहजर होंगे या उनको ख्याल में नहीं आया होगा। यहाँ कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु के यथार्थ स्वरूप को जानता मानता श्रद्धान करता है पर लौकिक व्यवहार के प्रसंग में कुदेव और कुगुरु के आत्मद्रव्य के शुद्ध स्वरूप की स्मृति पूर्वक उनको नमन विनयादि करता है तो उसके सम्यक दर्शन में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार भंग रूप दोषों का स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। ये प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि नहीं, हाँ उदाहरण के साथ दिया था। अब यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। जो पहला अर्थ ऐसा है कि व्यवहार के प्रसंगे में कुदेव कुगुरु के उनके आत्मद्रव्य के शुद्ध स्वरूप की भी स्मृति पूर्वक उनको नमन। देखो भाई हम नमन किसको करते हैं, द्रव्य को नहीं। जिनेंद्र भगवान को भी हम नमस्कार करते तो उनके पर्याय में जो वितराता प्रकट हुई है, उनके पर्याय में जो सर्वज्ञता प्रकट हुई है, उनको नमन है। अगर हम शुद्ध स्वरूप को ही नमन करना है तो चींटी जा रही उसको भी नमन करना चाहिए, जो सात व्यसनों में लिप्त है ऐसे जीवों को भी नमस्कार करें। क्यों? अरे हम उसके शुद्ध आत्मा की तरफ देख के नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? ऐसा ही आपका पूछना है ना, उनके शुद्ध स्वरूप को देख कर करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे में ही कमी है, ये बात समझना। हाँ ये देखो देखो बात ऐसी है, अगर शुद्ध द्रव्य को ही आपको नमस्कार करना है तो अपने आप की आरती उतारो ना भाई, मैं शुद्ध हूँ है ना, मैं भी द्रव्य द्रव्य, चलो आरती उतार ले, आईने में देखे और करें ये। सूरज भाई हंसो मत। यहाँ तो पर्याय में जो प्रकटता है कौन सी शुद्ध स्वरूप की, उसको हम नमन कर रहे हैं। अब ये कुदेव है कुगुरु है हा? पहले में पहले तो कुदेव होते ही नहीं, ये तो कल्पना है। अभी रास्ते में जाओ घूमने को तो पत्थर को सिंदूर लगाते हैं और ये भगवान है, तो ये कल्पना है क्या? सचमुच भगवान है, कुदेव है। काय का कुदेव है? ये कल्पना में है सब, कुदेव नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं है। जो नहीं है उसको हमने माना है, कल्पना से माना है। शांति, मुझे बोलने को आपने अवसर देना है ना, नहीं तो आप यहाँ आओ तो आपको एक माइक देता हूँ, बात करेंगे। पहले में पहले वह तो देव ही नहीं है, देव का स्वरूप हमें मालूम नहीं है, इसलिए इतनी हमारे विविध कल्पनाएं उड़ान लेती हैं। अरे देव तो उसको कहेंगे कि जो वितरागी है, और जो श्री कृष्ण है वो साथ में राधिकाएं लिए घूम रहे हैं, माखन चोर रहे हैं, चोर को आप देव बना रहे हैं, क्या बात है, मुझसे मुंह मत खुलवाना। हाँ वो भी कल्पना है, और हमारे जो श्री कृष्ण है वो जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं वो वीतरागी होंगे, सर्वज्ञ होंगे, जभी तो आगे जाके मोक्ष में जाएंगे, ख्याल में आया? और हम उनकी कौन सी अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं,
ये तो बिल्कुल श्वेतांबर मत का मैं कहता हूं पुष्टि कर रहे हैं हम। मेरी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं भैया। ये देखो आप जरा लेके बैठो, क्या नाम है मोक्ष मार्ग का प्रकाशक, जिनको लेना है ले सकते हैं। हाँ, पेज नंबर 187 है मेरे यहां, जो आपका होगा देख लेना। यहां वही प्रश्न है, यहां कोई कहे कि हमारे अंतरंग में श्रद्धांत तो सत्य है, यहां क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के यथार्थ स्वरूप को जानता मानता श्रद्धांत करता है, अरे जो कुदेव को नमस्कार करे उसके तो सम्यक दर्शन पैदा होने का सवाल ही नहीं है, तो उसका अतिचार व्यभिचार जो कुछ है वो होने के प्रश्न ही कहां है। पंडित जी मैं गलत हूं तो आप मेरा कान पकड़ो, हो आपको पूरा अधिकार है, आप मेरे से सीनियर हो। क्या कहते हैं, यहां कह रहे हैं हमारे अंतरंग में सिद्धांत तो सत्य है परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, हमें तो क्या कह रहे हैं भाईचारा करना पड़ता है, समाज में रहने का है, हमारे पड़ोसी अड़ोसी को खुश रखना है, क्योंकि हम बच्चों को घर में छोड़ के जाएंगे तो देखेगा कौन, तुम आने वाले हो क्या, क्या तुम्हारा वितराग भगवान आने वाला है, ऐसा भी लोग पूछते हो। तो उधर दिया है षट पाहुड़ में, लज्जादि से वंदनादिक का निषेध बतलाया था, वह पहले ही कहा था, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। आपको कोई गन पॉइंट दिखाता है चल झुकता है कि नहीं, तो क्या करें। अभी यहां जिंदगी का सवाल है, तो शायद हमारा अभिप्राय तो नहीं है, अंतरंग में विचार तो नहीं है, क्या कह रहे, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करे वहां अंतरंग कैसे न कहे। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उसे व्रति कैसे माने, तो उसे सम्यक दृष्टि कैसे माने। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुदे कुगुरु कुसेवन को बुरा जाने परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे रहे। देखो कितना अच्छा है कि आपके प्रश्न का हूबहू उत्तर यहां है, मैं बोलूं तो मैं खोटा हो जाऊंगा, लेकिन पंडित टोडरमल जी को कोई ठुकरा नहीं सकता, सज्जन व्यक्ति। मुझे पढ़ने दो। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है, इसलिए जो श्रद्धानी जीव है उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। अब और एक थोड़ा सा देख लो, ये मोक्ष पाहुड़ में षट पाहुड़ की बात, षट पाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ की गाथा है 92 नंबर की, वहां लिखे हैं यदि लज्जा से भय से बढ़ाई से यानी मान कषाय के कारण कुत्सित देव को कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को वंदन करता है तो वह मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए क्या कहा, इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदे कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो, सम्यक्व के 25 मलों के त्याग में ही अमूर दृष्टि में वो षडायतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। और कितनी बातें हैं इसमें। हाँ साहब, अच्छा, तथा कुदेवादिक के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। मैं तो मेरी भाषा में बोलता हूँ, ये जो हिंसा चोरी झूठ कुशील जो पाप है वह तो लोभ से वशीभूत होकर जीव करता है, तो लोभ इन पापों का बाप है और मिथ्या तो उस बाप का बाप है।